माता जी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिल्ली में अपना एक कैफे ओपन किया है चाय का। दोस्तों अगर आप किसी भी फूड बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो आपको हमेशा देखते रहना चाहिए मार्केट में कैसे क्या ओपन हो रहा है। एंड जब नए नए कैफेज ओपन होते हैं वो नए नए आइडियाज के साथ आते हैं। सो चाय गपशप जो ये ओपन हुआ है, ये साकेत में ओपन हुआ है। एड्रेस आपको नीचे दे दूंगा, अगर आप जाकर विजिट करना चाहो आप कर सकते हो, चीजों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पर आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा कि किस तरीके का इंटीरियर है, इंटीरियर में क्या चीजें आप भी कर सकते हो। देखो हर चीज देखने से हमें बहुत ईजिली समझ में आती है और आप भी देख देख कर सीख सकते हो अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप भी अपना कोई कैफे ओपन करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपके भी कैफे में मैं विजिट करूं। चाहे आप छोटा सा कार्ट भी ओपन करते हैं, एक ठेला भी अगर आप लगाते हैं ना कहीं भी, मैं कोशिश करूंगा आपके वहां मैं पहुंचूंगा, ताकि मैं अपने और जो भी व्यूअर्स हैं जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनको मोटिवेट कर पाऊं और आपके उत्साह को भी बढ़ा पाऊं। तो आप वीडियो को एंजॉय करिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों आज मैं हूं दिल्ली में। फिलहाल मैं दिल्ली किसी और काम से आया था, बट मेरे एक फ्रेंड हैं, छोटे भाई हैं, जिन्होंने अपना चाय का कैफे शुरू किया है चाय गपशप के नाम से। एंड कोइंसिडेंसली मेरी उनसे बात हो गई कल व्हाट्सएप पे और मुझे पता चला कि 1 तारीख की उनकी ओपनिंग और 1 तारीख को मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। सुभान अल्लाह, इससे अच्छा कोई मौका नहीं है, हम चलते हैं, उनका उत्साह भी बढ़ाते हैं और साथ ही में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का कैफे खोला है। इंटीरियर बहुत अच्छा है, जो साइज है कैफे का थोड़ा सा छोटा है बट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। सो फटाफट आपको सारा कैफे दिखाऊंगा एंड जो मेरे भाई हैं छोटे ध्रुव, उनसे आपकी बात भी करवाऊंगा। एंड अगर आप दिल्ली के आसपास से हैं, साकेत के आसपास से हैं, तो प्लीज आप आइए, मोटिवेट करिए। और पहली बात तो ये कि आज फर्स्ट डे है तो चाय कॉफी वगैरह सब कुछ फ्री थी, आपको वैसे आना चाहिए था। हो सकता है आपको पता ना हो इसके बारे में, बट आप फिर भी आइए और आकर विजिट करिए, चाय कॉफी का टेस्ट लीजिए। मैंने ऑलरेडी चाय पी चुकी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो चलते हैं फटाफट से, मैं आपको अंदर चलता हूँ, कैफे दिखाता हूँ। आप इंटीरियर देखिए, इंटीरियर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर कुल्लड़ है और कुल्लड़ के अंदर रेड जो इन्होंने लाइट लगाई है बहुत अच्छी लग रही है। आप फर्नीचर देख सकते हैं, फर्नीचर भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है और लाइट्स वगैरह आप देख लो, पेंटिंग्स वगैरह देखो कितनी अच्छे तरीके से बनाई हुई है। मतलब अंदर एंटर करने के बाद आपको लगेगा नहीं छोटा सा कैफे है, तो वाइब्स हैं बहुत अच्छी आ रही हैं। और ये जो ध्रुव है उनकी मॉम है, आप इनसे मिल सकते हैं और ये भी मेरे व्लॉग्स को देखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे व्लॉग्स काफ़ी लोग देखते हैं और मेरा हमारा जो परिवार है यूट्यूब का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आपको अच्छे अच्छे वीडियोज और देखने को मिलेंगे। एंड एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब कोई नया कैफे ओपन होता है काफी मेहनत लगती है, तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, वहां पर विजिट करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं काफी स्नैक्स वगैरह भी रखे हुए हैं। सो थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको ध्रुव से मिलवाता हूँ जो मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। सो ये है मिस्टर ध्रुव, ये मेरे सब्सक्राइबर कम छोटे भाई की तरह है और हमारी बहुत ज्यादा बात होती थी, बट पीछे कुछ टाइम हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ ट्रेजेडी होने की वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा था। बट कोई नहीं, बट आज मेरे साथ, हाँ, चीज यही है कि तो मेरे साथ है। तो कल हमारी बात हो गई और बहुत अच्छा लगा मुझे कि 1 तारीख को इनकी ओपनिंग थी और मैं 1 तारीख को दिल्ली में आ रहा था। सो आप देख लो यहाँ पर इन्होंने अपना यहाँ से देखो आप, सो ये इन्होंने अपनी ब्रांडिंग करवाई है एक्सप्रेसो मशीन में जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और किचन स्पेस आप देखो थोड़ा सा छोटा है, बट जो इक्विपमेंट होने चाहिए ना एक कैफे को रन करने के लिए, वो इक्विपमेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करे हुए हैं। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, वहां पर आप देख सकते हैं वाटर अरेंजमेंट करा हुआ है, सिंक लगा हुआ है फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स वगैरह। एंड यहाँ पर पिज्जा ओवन है एंड ये आपका डीप फ्रीजर के ऊपर इन्होंने जो टेबल है वो रखा हुआ है चॉपिंग वगैरह के लिए। सो लेआउट बहुत अच्छा लगा मेरे को, छोटा कैफे होने के बाद भी काफी अच्छा लेआउट है। तो दोस्तों कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से उस टाइम मैं ध्रुव से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पाया था, तो अभी हमने ध्रुव को लिया फ्रेम में, ध्रुव से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्रुव, कब प्लान किया आपने, कहाँ से आइडिया आया और कितना टाइम लग गया इसको एग्जीक्यूट करने में? असल में मैंने प्लान जो करा था वो 1.5 साल पहले कर लिया था, कि सोचा था कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूँगा। ओके, आइडिया पहली चीज़ तो मेरे को राहुल भाई से मिली थी, राहुल भैया से, और दूसरा आइडिया मेरे को आत्मनिर्भर भारत बनाना था, तो एक दिल्ली की स्टार्टअप एक लॉन्च करनी, तो मैंने सोचा क्यों ना राहुल भैया का आइडिया जो आया मेरे पास, जो मैंने 1.5 साल पहले वीडियो देखी थी, तो उसको मैं एग्जीक्यूट करूँ और उसी को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊँ जो मैंने अभी बनाया भी है, चाय गपशप। अच्छा, तो मतलब आपको 1.5 साल लग गया इसका एग्जीक्यूट करने में? 1.5 साल पहले करीब आपने वीडियो देखा था मेरा? 1.5 साल पहले देखा था, उसके बाद मैं आपके कांटेक्ट में भी आया था, उस टाइम बात हुई थी, तो उस टाइम मैंने सोचा क्यों ना चाय पत्ती का काम पहले स्टार्ट करूं। ओके, एटलीस्ट उसके बाद थोड़ा रिसर्च कर लूं, कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे को
आगे जाके कस्टमर को एक रीजनेबल रेट पे देने पे चीज मैं बना पाऊँ। ओके, तो आपका जो चाय का स्टार्टिंग प्राइस है वो कितने से स्टार्ट होता है? मात्र 10 रुपए से। ओनली 10 रुपीज। फ्लेवर चाय की अगर बात करें तो कितने फ्लेवर्स हैं? मेरे पास 7 से 8 फ्लेवर हैं, और एक प्लस पॉइंट इसमें ये रहेगा कि मैं बीच बीच में इसमें कुछ ना कुछ नए फ्लेवर्स भी एड ऑन करता रहूँगा। स्पेशल डेज पे रहेंगे, जैसे कभी कोई केसर चाय हो गए, कुछ ना कुछ हो गया, वो भैया के चैनल पे या मेरे को मेरे चैनल पे देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए ध्रुव, लाइक आपने अभी इसको स्टार्ट किया, आपको काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोगों के इंटरेक्शन में आप आए हो, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। जितने लोग चाय का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि क्या प्री प्लानिंग होती है, क्या पोस्ट प्लानिंग होती है, आपकी क्या पोस्ट प्लानिंग है आगे? किसी को भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो पहली चीज़ होती है कि आप फर्स्ट स्टेप लो, कि आप सोचो कि आपने एक बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपने सोचा है कि मेरे को कुछ करना है अब। बिल्कुल। और मेन चीज़ क्या होती है कि अब जैसे मैंने इसका सोचा था, तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मेरे को क्या करना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुल्हड़ के अंदर चाय पिला रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने एक प्रॉब्लम को ढूंढा कि अभी भी लोग स्ट्रीट पे अगर हैं तो वो किसमें पी रहे हैं? प्लास्टिक के कप में पी रहे हैं, जो बिल्कुल अनहाइजेनिक है। तो मैं कुल्हड़ को फिर मैंने सोचा कि उसमें करूँ, प्लस अपनी चाय पत्ती क्योंकि मेरी खुद की है, तो उस चीज़ से प्लस पॉइंट ये निकला कि मैंने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी और एक अच्छी चीज़ है मार्केट में ला भी पाया। अच्छा, अगर अभी आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, आगे क्या प्लान है? आगे प्लान मेरा ये है कि मैं इसकी फ्रेंचाइजीज लॉन्च करूँगा। ओके, और काफ़ी वो भी रीजनेबल रेट पे रहेंगी मेरी, और अभी तो मैंने जो सोचा है वो यही सोचा है कि नो कॉस्ट फ्रेंचाइजी पे करूँगा मैं। नो कॉस्ट फ्रेंचाइज, मैं इसी पे बात करने वाला, क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे मार्केट्स में, सो फूड एंड बेवरेज बिजनेस में बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स के साथ में बहुत सारे फ्रेंचाइजीज भी मार्केट में, एंड डिपेंड करता है फ्रेंचाइजी कॉस्ट पे एंड कंपनी किस तरीके का सपोर्ट देती है। सो ध्रुव, अगर आप बात करें तो आप भी इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जाना चाहते हैं? लेके जाना चाहता हूँ, और मेरे साथ जुड़ने का ना जो सबसे मेन बेनिफिट रहेगा, जो मैंने आपकी वीडियो से भी सीखा है, कि ना अभी मेरे को ना कमाना है, लेकिन ऐसा नहीं कमाना कि मैं अंधा कमाऊँ। बिल्कुल, मेरे को अभी की कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि इतना बड़ा चाय, मतलब पानी से ज़्यादा जो पानी, सेकंड हाईएस्ट सेलिंग बेवरेज इन इंडिया इज टी आफ्टर वाटर, तो ये बात बिल्कुल सही है, आप सबको पता है। इंडिया में नहीं, अब तो फॉरेन कंट्रीज में भी चाय बहुत ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है आफ्टर वाटर, तो बहुत अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे तरीके से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये जीवन की सच्चाई है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बिजनेस करने से पहले आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए, और उस आइडिया पर जब आप एग्जीक्यूशन करते हैं सो डेफिनेटली आप अच्छा काम कर सकते हैं। सो ध्रुव ने बिल्कुल सही बोला, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए और उस पर काम करिए। और ये ध्रुव का भी एक ब्लॉग चैनल है, ध्रुव क्या नाम है आपके ब्लॉग चैनल का? DRV96। दोबारा बताइए। DRV96। हाँ, तो ये NTV ब्लॉगर हैं उसमें। सपना कवर ब्लॉग्स। तो आप उनको ही फॉलो करिए और देखते रहिए, अभी शायद आपको कैफे के भी वीडियोस देखने को मिलेंगे थोड़े थोड़े, मेरे पूजा पाठ के और आंटी के पूजा पाठ के, ठीक है? तो आप इनको फॉलो करिए, और अभी कैफे के भी वीडियोस आते रहेंगे, आपको सीखने को मिलता रहेगा, सो इसलिए मैंने यहाँ पर ध्रुव के चैनल का नाम बताया। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।